हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम कंपनी एक्ट 2013 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। हम इस चैनल में लॉ से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ बनाते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ और भी बहुत सारे लॉ से रिलेटेड हमें वीडियोज़ बनाई भी हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमें अपनी सपोर्ट करें। तो आ जाओ दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रोस्पेक्टस की तो कंपनीज एक्ट 2013 का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस की बात की जाए तो कंपनी एक्ट जो 2013 का है उसका सेक्शन 270 कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 270 प्रोस्पेक्टस से डील करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि प्रोस्पेक्टस है क्या, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 270 ही डिफाइन करता है, पर वहाँ पे डिफाइन अलग तरीके से किया गया है। इवन वहाँ पे बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस के टाइप क्या हो सकते हैं, पर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस इज ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है विद द पर्पज टू रेज द फंड। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब कंपनी को लगता है कि हमें पैसे चाहिए, तो कंपनी जो है वो लोगों को बोलती है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारे शेयर खरीदो। कंपनी के आपने सुना होगा शेयर खरीदना, हमारे कंपनी के शेयर खरीदो, इन्वेस्ट करो। तो वो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, वो प्रोस्पेक्टस जो है 400-500 पेज का बहुत मोटा प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें कंपनी सब कुछ लिखती है, हमारी कंपनी में खास बातें क्या हैं, हमारी कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है, इसमें क्या बनता है, किस लिए कंपनी बनाई गई है, इसमें क्या फ़ायदा है, पैसा लगा के क्या फ़ायदा है, आपको इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है। तो सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी इशू तभी करती है जब कंपनी को फंड रेज करने हो, पैसा इकट्ठा करना हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि देखो, कंपनीज तो पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं और प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं। कंपनीज दो प्रकार की होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, अर्थात जब कंपनी ने फंड रेज करना हो, पैसा इकट्ठा करना हो, तो कंपनी कौन सी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू द प्रोस्पेक्टस, ओनली पब्लिक कंपनी हैज राइट टू इशू द प्रोस्पेक्टस फॉर रेजिंग द फंड, फॉर कलेक्टिंग द मनी। तो केवल पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूँ पब्लिक कंपनी, तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में डिफाइन किया गया है। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो प्रोस्पेक्टस है ये कौन बनाता है, कौन इतना मोटा कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाएगा, कौन ये काम करेगा। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है वो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो प्रोस्पेक्टस को बनाते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है, कंपनी क्या है, क्यों बनाई गई है, कब बनाई गई, क्या कंपनी का पर्पस है, कंपनी ने कितना पैसा कमाया, जो भी है वो इसमें लिखा होता है। ये प्रमोटर्स बनाते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी एक्ट 1956 में कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए थे। प्रमोटर का सिंपल सा मतलब होता था कि द पर्सन हु कंसीव द आइडिया टू कॉन्स्टिट्यूट ए कंपनी। प्रमोटर का मतलब क्या होता था, ऐसे पर्सन जो कि कंपनी को बनाने का एक आइडिया कंसीव करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं। लेकिन जो 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें प्रोस्पेक्टस को प्रोमोटर्स को सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में डिफाइन किया गया है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रोस्पेक्टस के टाइप क्या क्या है, प्रोस्पेक्टस कितने प्रकार का हो सकता है, जो कि सेक्शन 270 में ही बताया गया है प्रोस्पेक्टस के टाइप भी। तो देखो, प्रोस्पेक्टस में आपको बोल दिया कि एक प्रकार डॉक्यूमेंट होता है जो एक पब्लिक कंपनी इशू करती है, क्यों करती है, फंड रेज करने के लिए। इसलिए अगर पब्लिक कंपनी कोई भी अखबार में अपने प्रचार करती है, कोई नोटिस निकालती है जिसके जरिए वो किसी पर्सन को, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने के बोल रही है, तो वो भी प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। इवन एक केस हुआ था, मैं केस लोगों का नाम बता देता हूँ आपको, परमाथा नाथ सन्याल वर्सेस काली कुमार दत्त। ये जो केस हुआ था, इस केस में साफ साफ बोला गया था कि एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्पेक्टस।
एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्पेक्टस, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी जा रही है जिसके अंडर कंपनी बोल रही है कि मेरे पास पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, शेयर खरीदो मेरे, तो वो भी प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। अब प्रोस्पेक्टस के टाइप क्या क्या हैं? अगर प्रोस्पेक्टस के टाइप की बात करूँ तो मेनली प्रोस्पेक्टस जो के जो टाइप दिए गए सेक्शन 270 के जरिए वो तीन या चार प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहला टाइप है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस दूसरा जो है वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में दिया है, वैसे 270 ही बोला गया है कि प्रोस्पेक्टस में टाइप जो है शेल्फ होगा, रेड हेरिंग होगा, पर ये 31 में भी डिफाइन किया गया है। रेड हेरिंग जो है वो 32 में डिफाइन किया गया है। तीसरा जो है वो आता है एब्रिजिस प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस जो कि सेक्शन 33 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और साथ में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में भी बताया गया है। सॉरी आपको नॉइज आ रही होगी, न्यूसेंस के लिए इसमें माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैनेज कर लो, यहाँ थोड़ा काम चला हुआ तो आपको आवाज़ आ रही होगी इसलिए माफ़ी चाहूँगा, पर वीडियो को ध्यान से सुनो आप। और चौथा जो काइंड है वो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो कि सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है। अब मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊँ ये क्या होता है, रेड हेरिंग क्या होता है, एब्रिजिस क्या होता है, डीम्ड क्या होता है, तो मुझे इसके लिए एक एक वीडियो अलग अलग बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको चाहिए बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो ये हो गया इसके काइंड क्या क्या होते हैं। इसके बाद एक सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आप याद कर लो, कंपनी एक्ट का सेक्शन 26। कंपनी एक्ट का वो बोलता है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कि एक प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, कंटेंट क्या रहेगा प्रोस्पेक्टस में। एक अच्छा प्रोस्पेक्टस बनाना है तो कंपनी को क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा वो सेक्शन 26 में बताया गया है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। प्रोस्पेक्टस में और भी काफ़ी कुछ है, इसमें और भी बड़े सारे केस लॉ हैं, जैसे कि मैं आपको केस लॉ बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि एक केस लॉ हुआ है आर वर्सेज कुलसंट, आर वर्सेज रैक्स वर्सेज कुलसंट, ये जो था ये था ये प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस से डील करता है। डेली वर्सेज पीक भी डील करता है मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस से। और भी काफ़ी सारे केस लॉ हैं तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, इसमें इतना काफ़ी है प्रोस्पेक्टस के लिए। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस का टॉपिक काफ़ी बड़ा है और भी काफ़ी कुछ आता है, लेकिन इतना काफ़ी है। अगर आप इतना पढ़ लो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप चाहते हो मैं और डिटेल में बनाऊँ प्रोस्पेक्टस को तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, मैं डिटेल में दोबारा से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।